हेलो स्टूडेंट्स, अपना गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है लोकेंद्र राजावत और आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे क्लास 8 नवोदय बैच का लेक्चर नंबर 13। लेक्चर नंबर 13 में जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो है, दो रैशनल नंबर्स अगर हमारे को गिवन हो तो उनके बीच में बाकी और रैशनल नंबर्स को कैसे फाइंड कर सकते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ ही इससे इस सीरीज के जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है, इसके बाकी के जो लेक्चर्स हैं जो अभी तक अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो उन लेक्चर्स को जाके देख लीजिए, उसके बाद में लेक्चर नंबर 13 देखना स्टार्ट कीजिए, जिससे कि आप लोगों को इस कॉन्सेप्ट को समझने में और आसानी हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है आज का वो है रैशनल नंबर्स बिटवीन टू गिवन रैशनल नंबर्स, यानी वो क्वेश्चन में दो रैशनल नंबर्स दे देगा और पूछेगा कि इसके बीच में 5 रैशनल नंबर फाइंड करो या 3 रैशनल नंबर फाइंड करो या 10 रैशनल नंबर फाइंड करो। तो हमें इसको किस तरीके से कर सकते हैं, इसका मेथड क्या होगा करने का, वो हम यहाँ पे आज देखने वाले हैं। तो देखो, तो यहाँ पे हम दो टाइप से इस प्रॉब्लम को समझेंगे। मैंने आप लोगों को जब पहला लेक्चर पढ़ाया था तब मैंने आप लोगों को समझाया था पहले और दूसरे लेक्चर में कि जितने भी इंटीजर्स होते हैं, इंटीजर्स कौन से, जैसे -3, -2, -1, -3 से भी पहले के भी होंगे, फिर 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये सारे के सारे नंबर्स डिनोमिनेटर में 1 लगा के p/q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। जैसे ये सारे क्या है, इंटीजर्स। इंटीजर्स कौन से हैं, जैसे --, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ये सारे इंटीजर्स हैं। अब इंटीजर्स और रैशनल नंबर्स के बारे में हम जानते हैं कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, p/q की फॉर्म में होते हैं। तो इनको p/q की फॉर्म में अभी तो नहीं दिख रहे होंगे, लेकिन इनको बनाया जा सकता। कैसे, सबके डिनोमिनेटर में 1 लगा दो, क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा रिजल्ट अभी भी कितना आएगा, वही आएगा। लेकिन अब ये एक्चुअल में किसकी फॉर्म में कन्वर्ट हो गए, p/q की फॉर्म में कन्वर्ट हो गए, मतलब कि हम बोल सकते हैं अब ये रैशनल नंबर बन गए। तो सबसे पहला जो टॉपिक हमें पढ़ना है वो यही है, रैशनल नंबर्स बिटवीन टू इंटीजर्स। अब ध्यान रखना, अगर मैं इंटीजर बोल रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली समझ लेना कि वो रैशनल नंबर होगा ही होगा। हमारा मेन टॉपिक यही तो था, रैशनल नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर फाइंड करना। लेकिन सबसे पहले हम इंटीजर्स के बारे में, इंटीजर्स के बीच में फाइंड करके देखते हैं, और उसके बाद में हम दो रैशनल नंबर जो प्योर p/q की फॉर्म में गिवन होगी उनको, उनके बीच में कैसे रैशनल नंबर्स फाइंड करते हैं, तो उनके मेथड्स को हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो देखो, एक क्वेश्चन के थ्रू, एक क्वेश्चन है, इसके थ्रू मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ कि राइट एनी 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन -2 एंड 0, यानी -2 और 0 के बीच में हमारे को क्या करना है, 5 रैशनल नंबर फाइंड करना है। 6 भी पूछ सकता है, 3 भी पूछ सकता है, कितने भी पूछ सकता है उसके अकॉर्डिंग। अब इसको सोल्व कैसे करें उसको समझना। देखो, तो सबसे पहले हमारे को इसको एक नंबर लाइन पे मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, देखो आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ कहीं 0 होगा, यहाँ कहीं -1 होगा, यहाँ कहीं -2 होगा। हमें क्या करना है, इन दोनों के बीच में रैशनल नंबर्स फाइंड करना है। अगर मान लो कि इन दोनों के बीच में कोई इंटीजर फाइंड करना होता तो इन दोनों के बीच में इंटीजर क्या होता, केवल -1 हो जाता। लेकिन रैशनल नंबर्स फाइंड करने, तो जिससे मैं एक आइडिया से आप लोगों को दूं, 0 और -1 के बीच में कहीं पर -1/2 होगा। ठीक है, अभी मैं अंदाजे से बता रहा हूँ, मैं प्रॉपर तरीका बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है, आप सोच पाते हो अगर इस तरीके से तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो, 0 -1 के बीच में -1/2 होगा, भाई 1 और 0 के बीच में तो होता है वह हाफ, फिर 1 और 2 के बीच में होगा 1.5, 1.5 को बोल सकते हैं हम लोग 2 1 जा 2, 2 1 3/2, और नेगेटिव का है इसलिए माइनस का, तो यहाँ बीचों बीच कहाँ होगा, कहीं -3/2 होगा। तो अगर मान लो इस क्वेश्चन में 3 रैशनल नंबर्स पूछे होते तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे, कैसे, 0 और -2 के बीच में एक तो होगा -3/2, एक होगा -1, -1 भी तो रैशनल नंबर है क्योंकि 1 -1 के नीचे 1 लगा सकते हैं हम, और साथ में क्या है, -1/2। तो ये 3 रैशनल नंबर्स हम ऐसे भी फाइंड कर सकते थे, लेकिन हमें प्रॉपर तरीके से फाइंड करना है। ठीक है, तो इस मेथड को कैसे फॉलो करेंगे, कैसे यूज करेंगे वो समझो। देखो, क्या इस -2 को मैं -20/10 लिख सकता हूँ, तो देखो 10 2 जा 20 हो गया, तो -2। मैं ये ऐसा ही क्यों लिख रहा हूँ, मैं इसको ऐसा भी लिख सकता था, -10/5 भी लिख सकता था। अभी मैं इसका कारण अभी आप लोगों को बता दूंगा, मैं इसको वैसे भी करके बताऊंगा उस वाले मेथड से जो अभी मैंने बताया ना, -10/5, उससे भी बताऊंगा कि उससे कितनी रैशनल नंबर निकलेंगी, इससे कितनी निकलेंगी वो देखते हैं। और 0 को क्या लिखा जा सकता है, 0/10 लिखा जा सकता है,
यानी अब हमारे पास दो रेशनल नंबर, जो माइनस का 2 था वो बन चुका है माइनस का 20/10, और जो 0 था वो बन चुका है 0/10। अब इसके बीच में हमें रेशनल नंबर्स फाइंड करने, तो इसके बीच में कितने रेशनल नंबर्स हो सकते हैं, देखो एक हो सकता है -19/10। अब ये कैसे मैंने बोला कि इसके बीच में होगा, ये मैं ऑलरेडी आप लोगों के लिए एक लेक्चर अपलोड कर चुका हूँ जिसके अंदर मैंने रेशनल नंबर्स को कंपेयर करना सिखाया था। उसमें मैं अभी थोड़ा सा यहाँ भी बता देता हूँ कि अगर डिनोमिनेटर्स इक्वल है तो हमें न्यूमेरेटर्स को कंपेयर करना होता है, और न्यूमेरेटर्स में जिसका न्यूमेरेटर बड़ा होगा वो रेशनल नंबर, मतलब नेगेटिव में जिसका न्यूमेरेटर क्या होगा, बड़ा है, वो छोटा होगा। यानी कि -20 क्या है, नेगेटिव में बड़ा है, तो वो एक्चुअल में क्या है, छोटा है, और -19 इसके कंपेरिजन में नेगेटिव में छोटा है, तो ये वाला रेशनल नंबर बड़ा होगा। फिर इससे बड़ा क्या होगा, -18/10 हो गया, -17/10 डैश डैश डैश, ऐसे बहुत सारे होंगे। फिर यहाँ पे क्या होगा, -2/10 हो गया, -1/10 हो गया, और उसके बाद में 0/10 बना होगा। मतलब ये इतने सारे रेशनल नंबर्स किसके बीच में लाई कर रहे हैं, इन दोनों के बीच में लाई कर रहे हैं। ये तो हमने बहुत कम निकाले, आप चाहो तो और बहुत सारे निकाल सकते हो। जैसे इसी को मैं कन्वर्ट ऐसे करता, मान लो -2 को लिखता -100/50 लिख देता, और इस 0 को लिख देता मैं -2 को ये लिख देता, 0 को लिख देता 0/50 लिख देता, तो अब इसके बीच में कितने होते हैं, -99/50 से लेके -1/50 तक के सारे नंबर। तो मतलब जितने चाहो उतने निकाल सकते हो, बस ध्यान रखना कि इसको कैसे कन्वर्ट करना है। जैसे -2 अगर कम निकालने होते हैं तो हम लोग क्या कर सकते थे, यहाँ पे बीच में थोड़े कम नंबर्स लिख सकते थे, जैसे इसको -10/5 बना लेते, इसको क्या बना लेते, 0/5 बना लेते, तो फिर क्या होता, -9/5, -8/5, इस तरीके से हम नंबर्स लिख सकते थे। तो यहाँ से ये चीज़ समझ में आती है कि देखो इसके हिसाब से निकालोगे तो जैसे यहाँ पे 19 रेशनल नंबर्स निकल के आ रहे हैं, इसके हिसाब से निकालोगे तो 99 रेशनल नंबर्स निकल के आ रहे हैं। और अगर आप चाहो तो इसको क्या बना सकते हो, और बना सकते हो कि जैसे माइनस का 1000/500 बना लो, तो भी देखो 500 से 2 टाइम डिवाइड होगा तो कितना बनेगा, -2। अब यहाँ पे क्या होगा, -999/500 से लेके हमारे पास, और 0 को क्या लिख सकते हैं, 0/500 से लेके -1/500 तक के, ये सारे के सारे नंबर्स किसके बीच में लाई करेंगे, इसके बीच में लाई करेंगे। तो इसके मेथड इस तरीके से निकालोगे तो और बहुत सारे हो सकते हैं, मतलब कोई से भी तरीके से आप निकाल सकते हो, दो रेशनल नंबर्स के बीच में बहुत सारे रेशनल नंबर हो सकते हैं। ठीक है, आई होप ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी, तो इसीलिए मैंने एक नोट भी लिख दिया। नोट क्या है, देयर आर इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू रेशनल नंबर्स। तो ये इंपॉर्टेंट है, हमेशा ध्यान रखना है कि कोई भी दो रेशनल नंबर दे दिया, जैसे मैंने 1 और 2 ही दे दिया, तो 1 और 2 दो रेशनल नंबर्स है, क्योंकि दोनों के नीचे 1 लगा सकते हैं, इन दोनों के बीच में भी इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स है। अगर मैं 1 और 1.1 भी दे दूं तो इन दोनों के बीच में भी क्या है, क्योंकि 1.1 भी तो रेशनल नंबर है, क्यों, क्योंकि 1.1 और 1 दे दिया, तो 1.1 में से 1 हटाया, नीचे क्या मतलब पॉइंट हटा के 1.0 लगा सकते हैं, और इसको 1 लगा सकते हैं, तो इन दोनों के बीच में भी कितने रेशनल नंबर्स हैं, इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स है। आई होप ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी, तो इसको आप नोट कर लेना। अब आगे हम देखते हैं कि ये तो क्या था, इंटीजर्स के लिए हमने किया था, अब रेशनल नंबर्स के बीच में कैसे रेशनल नंबर निकालेंगे वो देखते हैं। तो जो प्योर पी बाई क्यू की फॉर्म में ऑलरेडी गिवन होंगे उनके बीच में, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ लिखा है कि फाइंड एनी 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन -5/6 and 5/8, तो इनके बीच में कैसे निकाला जाता है वो देखते हैं। तो इसको निकालने के लिए हमारे पास 2 तरीके, एक तो तरीका वही है जो ऐसा हमने फॉलो किया है, मतलब इस वाले तरीकों को बोला जाता है कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीजर्स, यानी इंटीजर्स का कॉन्सेप्ट लगा के अभी हमने किया था, इस तरीके से निकाल सकते हैं। एक मेथड है जिसको मीन मेथड बोला जाता है, तो अभी हम ये देखते हैं कि भाई कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीजर्स को कैसे अप्लाई किया जाएगा यहाँ पे, और उसके बेसिस पे इस वाले क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं, और फिर नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग मीन मेथड और उसके ऊपर 1-2 क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो देखो यहाँ क्या बोला है, फाइंड एनी 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन -5/6 and 5/8। तो सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीजर्स क्या था वो अभी हमने यहाँ देखा था, हमने कोशिश की थी कि दोनों के डिनोमिनेटर्स को इक्वल बना दिया, और उसके बाद में न्यूमेरेटर्स को कंपेयर करते गए, -20 से बड़ा -19, फिर -18, फिर -17, ऐसे हमने क्या किया, रेशनल नंबर्स को फाइंड कर दिए।
तो अभी यहाँ पे डिनोमिनेटर्स क्या है, सेम नहीं है। इसका डिनोमिनेटर 6 है, इसका डिनोमिनेटर क्या है, 8 है। तो हमें कोशिश करनी पड़ेगी कि दोनों के डिनोमिनेटर्स को कैसे भी करके क्या बना ले, इक्वल बना ले। और इक्वल एक बार बन जाएंगे फिर उसके बाद में हम सोचेंगे कि क्या करना है आगे। तो देखो स्टेप वन में यही है कि -5/6 एंड 5/8 के डिनोमिनेटर सेम बनाओ। अब सेम किसके सेम बनाना है, कितना बनाना है, ठीक है। तो इसके लिए आप स्टार्टिंग में ही कर सकते हो कि किसके इक्वल बनाना है, 6, 8 का जो एलसीएम आएगा उसके इक्वल बनाना है। मतलब जो डिनोमिनेटर्स हैं उनका एलसीएम जो भी आएगा उसके इक्वल बनाना है। मतलब कि 6 और 8 का जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा, 24। आप पूरा प्रॉपर तरीके से निकाल के देख लेना, मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो हमें इस 6 को भी 24 बनाना है और 8 को भी 24 बनाना है। अब इसको 24 कैसे बना सकते हैं, तो इसके लिए हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स में क्या पढ़ा था हमने कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अगर सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, जो नया रैशनल नंबर हमें मिलेगा वो भी पहले वाले के इक्विवेलेंट ही होगा। इसका क्या मतलब है, यानी -5/6 है, हमें इस 6 को कितना बनाना है, 24। ऐसे ही 5/8 है, इस 8 को हमें कितना बनाना है, 24। तो हम क्या करेंगे, इस 6 को 24 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ा तो ऊपर -5 को भी क्या करना पड़ेगा, न्यूमरेटर को भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऊपर बन गया माइनस का 20, नीचे क्या होगा देखो, 8 को भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सॉरी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और 5 को भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ऊपर कितना बन गया, 15 बन गया, और नीचे कितना बन गया, 24 बन, मतलब ऊपर 15 नीचे 24। अब देखो दोनों के डिनोमिनेटर्स हमने क्या कर लिए, इक्वल कर लिए। अब इक्वल करने के बाद में क्या करें, यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं एक काम करता हूँ, नेक्स्ट स्लाइड पे आप लोगों को इस वाले पार्ट को आगे समझाता हूँ। इतना नोट कर लीजिए, इन दोनों मेथड्स के नाम नोट कर लीजिए, उससे नेक्स्ट वाली स्लाइड पे हम लोग मीन मेथड को करने वाले हैं। तो इसको आप वीडियो को पॉज करके अच्छे से नोट कर लीजिए। तो देखिए हमने क्या किया है, दोनों के डिनोमिनेटर्स को इक्वल कर लिया है, और किसके इक्वल किया है, एलसीएम के इक्वल कर लिया। तो अब ये जो -5/6 था ये एक्चुअल में कितना बन चुका है, -20/24, और 5/8 है वो कितना बन चुका है, 15/24 बन चुका है। अब इसके बीच में हमें रैशनल नंबर्स फाइंड करने, तो हम कंपेरिजन वाला मेथड फॉलो करेंगे यहाँ पे, मतलब कंपेयर करेंगे इंटीजर्स में। हमने जैसा देखा था तो -20/24 से बड़ा क्या होगा, -19/24, फिर उससे बड़ा -18/24, फिर -17/24, ऐसे डैश 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 -1/24, फिर आएगा 0/24 भी इन दोनों के बीच में लाई करेगा। क्यों, क्योंकि देखो एक नेगेटिव नंबर है एक पॉजिटिव नंबर है, और जब पॉजिटिव जीरो से बड़े होते हैं नेगेटिव जीरो से छोटे होते हैं, तो जीरो भी इन दोनों के बीच में ही कहीं पे लाई करेगा। तो देखो 0/24 और 1/24, 2/24, डैश 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 14/24। तो ये इतने सारे रैशनल नंबर्स हमने फाइंड कर लिए किसके बीच में, इन दोनों के बीच में। लेकिन हमें तो क्वेश्चन में 10 पूछे थे, तो कोई से भी 10 क्या कर सकते हो, आप अपने मन से लिख सकते हो। आई होप ये चीज़ आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी कि क्या करना है। मैं वापस से एक बार रिवाइंड करवा देता हूँ। सबसे पहले क्या करना है कि दोनों के डिनोमिनेटर्स को इक्वल बनाना है। इक्वल किसके बनाना है, कोशिश करो कि दोनों को एलसीएम, दोनों के जो डिनोमिनेटर्स हैं उनके एलसीएम के इक्वल बना लो। एलसीएम के इक्वल बनाने के बाद में हमारे पास दोनों के डिनोमिनेटर्स बराबर हो चुके हैं। उसके बाद में न्यूमिनेटर्स को क्या करो, असेंडिंग ऑर्डर में लिखते जाओ। मतलब -20 से 15 के बीच में कितने नंबर्स होंगे, -19, -18, -17, ये सारे नंबर्स किसके बीच में लाई करेंगे, -5/6 और 5/8 जो कि ओरिजिनल फॉर्म में हमारे पास ये नंबर्स थे उनके बीच में लाई करेंगे। आप चाहो तो और भी निकाल सकते हो उसके बीच में, दोनों को क्या करो, जैसे इसको 10 से और मल्टीप्लाई कर लो, तो ये क्या हो जाएगा, -200/240 हो जाएगा, 240 हो जाएगा, ये 150/240 हो जाएगा। तो उसके बाद में क्या कर सकते हो, उसके बीच में और बहुत सारे निकाल सकते हो। मतलब जितने भी नंबर्स वो आपसे पूछना चाहता है उसके अकॉर्डिंग इसको मॉडिफाई कर लो, लेकिन ध्यान रखना दोनों के डिनोमिनेटर्स को क्या रखना है, हमेशा इक्वल रखना है। आई होप ये बात आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसी कॉन्सेप्ट से हम एक और काम करते हैं, एक और एग्जाम्पल को सोल्व कर लेते हैं, फिर हम लोग हमारा सेकेंड मेथड उसके बाद में हम हमारे सेकेंड मेथड को देखेंगे। तो देखो हमारे को क्या करना है, 1/2 और 3/4 के बीच में 5 रैशनल नंबर्स फाइंड करनी है। तो सबसे पहला काम तो यही है, दोनों के डिनोमिनेटर्स को सेम बनाओ। तो 1/2 और 3/4 है, अब किसके इक्वल बनाए, 2 और 4 के एलसीएम के। अब देखो 2 और 4 का एलसीएम एक्चुअल में 4 ही आएगा, तो यहाँ मैं लिख भी देता हूँ कि एलसीएम ऑफ 2, 4 = 4 आ रहा है। तो हमें इस 2 को 4 बनाना है,
तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो न्यूमेरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये तो बन गया 2/4, और ये तो ऑलरेडी क्या है उसमें बना हुआ है, तो आप चाहो तो ऐसे करके लिख सकते हो 1 से मल्टीप्लाई करके। लेकिन अब यहाँ एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या है, दोनों के डिनोमिनेटर्स हमने क्या बनाए, 4 और 4 बना लिए, लेकिन अब यहाँ 2 और 3 के बीच में तो कोई हमारा जो ये इंटीजर नंबर तो आ ही नहीं रहा ना, कोई 2 से 3 के बीच में कोई इंटीजर नंबर है ही नहीं। जैसे यहाँ पे 1 होता तो हम 1/4 और 3/4 के बीच में यहाँ पे क्या लिख सकते थे, 2/4 लिख सकते थे, लेकिन यहाँ तो कोई नंबर है ही नहीं, तो क्या करें। तो इस वाले केस में हम लोग थोड़ा सा इसको और मॉडिफाई करते हैं। तो देखो हम इसको एक काम करते हैं, दोनों का न्यूमिनेटर को भी 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, डिनोमिनेटर को भी 10 से, तो अब ये बन गया 20/40, और इसमें भी न्यूमिनेटर को भी 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और डिनोमिनेटर को भी 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो जो नया रैशनल नंबर मिलेगा वो कितना मिलेगा, 30/40। ध्यान रखना ये और ये दोनों इक्वल ही है, क्योंकि देखो यहाँ पे माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है, मतलब दोनों 10 से डिवाइड हो जाएंगे, वापस यही आ जाएगा। और ऐसे ही जो 1/2 बोला है हमने, या फिर 2/4 बोल लो, या फिर 20/40 बोल लो, ये तीनों के तीनों रैशनल नंबर्स क्या है, आपस में इक्वल है। आई होप ये चीज़ आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो अब हमें इसके बीच में पार्ट्स बताने, तो अब हम फाइंड कर सकते हैं 20 से 30 के बीच में, 21/40, 22/40, --, आगे तक चल के 29/40। अगर आप लोगों को और चाहिए, बहुत सारे चाहिए इसके अलावा, मतलब जैसे अभी तो 5 ही करने थे, मैंने तो यहाँ पे 9 फाइंड कर दिए, तो अगर आप लोगों को 10 या मान लो कि 20 या 25 और चाहिए होंगे, तो आप क्या कर सकते हो, जैसे इसको 100 से, इसको भी 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, इसको भी 100 से और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, उसके अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा, 200/400, ये 300/400, उसके बाद में ये क्या हो जाएगा, 201/400, 202/400, ऐसे चलते चलते 299/400। तो ये बहुत सारे क्या कर सकते हो, लगभग 99 रैशनल नंबर्स इनके बीच में फाइंड कर सकते हो। आई होप ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी, तो इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए, उसके बाद में हमारा सेकंड मेथड हम स्टार्ट करते हैं। अब हम देखते हैं कि दो रैशनल नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर फाइंड करने के लिए मीन मेथड क्या होता है। मीन मेथड को ध्यान से समझना, क्योंकि हो सकता है कि आप लोगों के जो एग्जामिनेशन के अंदर इसके ऊपर 3 या 4 नंबर का या बड़ा उससे भी बड़ा 5 नंबर का एक क्वेश्चन बनाया जा सकता है, कि मेन मेथड की हेल्प से क्या करो, 4 या 5 रैशनल नंबर्स फाइंड करो। तो बहुत ध्यान से समझना, बहुत ईजी टॉपिक है, बस आप लोगों को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा एडिशन सब्ट्रैक्शन वगैरह करने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, जो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं इसके इससे पहले के लेक्चर्स के अंदर, कि भाई रैशनल नंबर्स को ऐड कैसे किया जाता है, सब्ट्रैक्ट कैसे किया जाता है, मल्टीप्लाई डिवाइड कैसे किया जाता है। तो आप पहले उन लेक्चर्स को देखिए, उसके बाद में ये देखोगे तो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो देखो वही है क्वेश्चन, वही रहेगा कि जैसे फाइंड 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन दिस एंड दिस, 1/4 और 1/2 के बीच में, और यहाँ पे एक और ले लिया, फाइंड 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन -1/2 एंड 3/4। हो सकता है 3 की जगह पे 5 पूछ ले या 10 पूछ ले, लेकिन जनरली क्या होता है 10 वगैरह नहीं पूछा जाता, क्योंकि ये मेथड थोड़ा लेंदी है, जो लेंदी मेथड होगा तो उसके अंदर क्या होगा, टाइम ज़्यादा लगेगा, तो वो 3 या 4 या मैक्सिमम क्या कर पूछता है, 5 रैशनल नंबर्स क्या करेगा, यूजिंग मीन मेथड हमारे से पूछेगा। तो सबसे पहले मीन मेथड को समझने से पहले हम जिस टॉपिक को समझना चाहते हैं वो है मीन। मीन का क्या मतलब होता है वो ध्यान से समझना। जैसे इसको मैं एक एग्जांपल से समझाऊँ, जैसे ए और बी मेरे पास दो आदमी है, एक आदमी के पास में 10 रुपये हैं और एक आदमी के पास में 20 रुपये हैं। मैं चाहता हूँ कि दोनों को बराबर बराबर मिल जाए, अभी इसके पास 10 है कम है और इसके पास 20 ज़्यादा है, तो मैं दोनों को इक्वल इक्वल क्या करना चाहता हूँ, डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता हूँ, बांटना चाहता हूँ। तो इसको इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए मेरे पास एक तरीका है, मैं क्या करूँ, दोनों के पैसों को कलेक्ट करूँ, दोनों का टोटल करके देखूँ, टोटल करके देखने पे कितना आएगा, 10 + 20 = 30 आएगा, और 30 को क्या कर दूँ, दो इक्वल पार्ट्स कर दूँ। अब ध्यान रखना, आप लोग डिवाइड पढ़ते होंगे, डिवाइड का एक्चुअल में मतलब होता है इक्वल पार्ट्स करना। जैसे कि अगर मैं 5 को क्या कर रहा हूँ, 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो कितने रिजल्ट आएगा, 2.5। इस 2.5 का मतलब ही यही है कि अगर 5 के दो इक्वल पार्ट्स किए जाए तो ईच पार्ट, हर एक पार्ट कितने कितने का होगा, ईच पार्ट होगा हमारा 2.5 का। अब ध्यान से समझो, ये जो 2.5 है ये क्या करेगा, इस वाले मतलब इसको 5 को क्या करेगा, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, मतलब 2.5 वो वैल्यू है जो 5 को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। तो हमारा काम यही तो था कि हमें क्या करना था, दोनों को बराबर बराबर बांटना था, तो हम क्या करें कि दोनों के पैसों का सम करो और 2 का डिवाइड कर दो। अगर 3 जनों के बीच में बांटना होता तो 3 से डिवाइड करते,
चार जनों के बीच में बांटना होता तो चार से डिवाइड करते हैं। तो अब ये जो रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा, 30/2 विच इज इक्वल टू 15। ये 15 जो निकल के आया ना, यही एक्चुअल में क्या है, हमारा मीन कहलाता है। किसका, 10 और 20 का जो मीन होगा वो क्या होगा, 15। यानी कि मीन एक्चुअल में दो नंबर्स के बीचों बीच की वैल्यू होती है, अभी के लिए बस इतना सा ध्यान रखो। अब ये जो मीन निकल के आया ये 15, वो ध्यान से देखो, ये 10 से तो बड़ा है और ये क्या है, 20 से छोटा है, ये आप लोगों को दिख ही रहा होगा, बीच में आ रहा है। तो अभी हमारे को यही तो करना है, ध्यान से देखो, हमें 10 और 20 के बीच में कोई नंबर चाहिए था, तो हमने क्या निकाला, 10 और 20 का मीन निकाल दिया तो उसके बीच में एक नंबर आ गया। तो अभी हम जो ये वाला जो टॉपिक पढ़ने वाले, इसमें यही करेंगे हम। हमारे को दो रैशनल नंबर्स दिए हुए हैं, उन रैशनल नंबर्स के बीच, उन दोनों का हम क्या करेंगे, एक बीच में कोई रैशनल नंबर फाइंड करना है तो दोनों रैशनल नंबर्स का मीन निकाल दो, वो हमेशा उसके बीच में आएगा। ठीक है, आई होप ये बात समझ पा रहे होंगे। तो अब इसको करेंगे कैसे वो समझते हैं। तो देखो, इसको मैं मिटा देता हूँ और उसके बाद में हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हमारे पास मान लो a बाई बी, कुछ भी हो सकता है a बाई बी, ठीक है, और c बाई डी, ये दो रैशनल नंबर्स गिवन है। ठीक है, ये रैशनल नंबर्स हमारे को गिवन है। कंडीशंस आप लोगों को पता होनी चाहिए कि a b c d ये सारे के सारे इंटीजर्स होने चाहिए, i बोल सकते हो या z बोल सकते हो, और डिनोमिनेटर्स यानी b और d नॉट इक्वल जीरो होने चाहिए, ये हमारे को गिवन है। हमें इनके बीच में क्या फाइंड करना है, बहुत सारे रैशनल नंबर्स और फाइंड करने हैं। तो हमारा सबसे पहला काम क्या है कि भाई सबसे पहला हमारा रैशनल नंबर मिल जाए पहले। तो फर्स्ट रैशनल नंबर कैसे फाइंड करेंगे वो समझो। फर्स्ट FIRST, फर्स्ट रैशनल नंबर बिटवीन a बाई बी कोमा c बाई डी, इनके बीच में फर्स्ट रैशनल नंबर क्या होगा। तो देखो, मैंने अभी बताया कि इन दोनों का जो भी मीन निकालोगे वो हमेशा बीच में आएगा। जैसे 10 और 20 का मीन निकाला था तो वो कितना आया था, 15 आया था, और 15 10 और 20 के बीच में लाई करता है। हमें इन दोनों के बीच का कोई रैशनल नंबर चाहिए, तो इन दोनों का मीन निकाले। और मीन निकालने का तरीका क्या बताया अभी, कि दोनों नंबर्स को ऐड करो और फिर उसको क्या करो, जितने भी नंबर्स हैं उन दोनों से, दो नंबर्स है तो दो से डिवाइड कर दिया, तीन नंबर्स का मीन निकालना है तो तीनों को ऐड करके तीन से डिवाइड कर देना। तो अभी तो हमारे पास दो ही है तो हम ये करेंगे। तो जैसे मान लो कि इसको सोल्व करने पे कितना बन के आएगा, कुछ e बाई एफ बन के आएगा, कुछ भी हो सकता है e बाई एफ। जैसे कि मान लो अभी 1/4 1/2 को ऐड किया तो यहाँ पे कुछ रिजल्ट निकल के आएगा, तो उसको हमने क्या बोल दिया, e बाई एफ बोल दिया। अब देखो e बाई एफ एक्चुअल में क्या होगा, a बाई बी से तो बड़ा होगा और c बाई डी से छोटा होगा, क्योंकि ये e बाई एफ जो आया है वो इन दोनों का मीन है, और मीन हमेशा किसके बीच में लाया करता है, दोनों नंबर्स के बीचों बीच लाया करेगा। तो ये हमारे पास एक नंबर फाइंड हो गया। अब हमें दूसरा फाइंड करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों के बीच में एक रैशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं और एक इन दोनों के बीच में एक रैशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। तो इन दोनों के बीच में रैशनल नंबर कैसे फाइंड किया जाएगा, तो इन दोनों का मीन निकाल दो, e बाई एफ डिवाइड बाई टू कर दो, तो इन दोनों के बीच में निकल के आ जाएगा, और e बाई एफ प्लस c बाई डी डिवाइड बाई टू कर दोगे तो इन दोनों के बीच में एक रैशनल नंबर निकल के आ जाएगा। आई होप ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी। मैं एक बार वापस से इसको समराइज कर देता हूँ, उसके बाद में हम क्वेश्चंस के ऊपर इसको अप्लाई करके देखेंगे। तो देखो, हमें क्या करना है, दो रैशनल नंबर्स गिवन है, उनके बीच में बाकी के रैशनल नंबर्स फाइंड करने। बाकी के रैशनल नंबर्स फाइंड करने के लिए हमें क्या ध्यान रखना है, कि मीन का कॉन्सेप्ट ध्यान रखना। मीन क्या होता है, कोई ऐसी वैल्यू होती है जो दो नंबर्स के बीचों बीच आती है, और अभी हमें बीच की वैल्यू तो चाहिए, तो हम क्या करेंगे, उन दोनों नंबर्स का मीन निकाल देंगे। और मीन कैसे निकाला जाता है, दोनों नंबर्स को ऐड करके दो से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, तो जो रिजल्ट आएगा, जैसे मान लो यहाँ पे e बाई एफ, e बाई एफ कुछ भी हो सकता है, 1/3 1/4, वो जो रिजल्ट आएगा इन दोनों के नंबर्स के a बाई बी एंड c बाई डी के बीचों बीच लाई करेगा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ये इससे बड़ा होगा और इससे छोटा होगा। अगर ये मान के चले कि ये वाला नंबर बड़ा है और ये वाला नंबर छोटा है, हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पे अगर a बाई बी क्या है, छोटा है, c बाई डी बड़ा है, तो उसके हिसाब से हम ये लिखेंगे कि ये जो e बाई एफ है वो इससे बड़ा होगा और इससे छोटा होगा। अगर ये बड़ा है तो e बाई एफ क्या होगा, इससे बड़ा होगा और इससे छोटा होगा। आई होप ये बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी। तो हमने क्या किया, एक रैशनल नंबर निकाल लिया, फिर सेकंड निकालना है, तो यहाँ पे सेकंड रैशनल नंबर आ गया हमारे पास, कौन सा, इन दोनों के बीच में, तो इन दोनों का मीन निकाल दिया, वो क्या होगा, इन दोनों को सम करके टू का डिवाइड कर दिया। फिर तीसरा निकालना है, तो इन दोनों के बीच में, तो थर्ड रैशनल नंबर क्या होगा,
इन दोनों का मीन निकाल दो, इसका कोई भी रिजल्ट निकल के आएगा वही हमारा थर्ड रेशनल नंबर हो जाएगा। आई होप ये मेथड आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसको अप्लाई कैसे करें, क्वेश्चन सोल्व कैसे होंगे इससे, वो हम करके देखते हैं क्वेश्चन। तो देखो हमारे पास गिवन रेशनल नंबर्स क्या है, आर 1/4 एंड 1/2। अब हमें इसके बीच में पहला रेशनल नंबर फाइंड करना है, तो फर्स्ट रेशनल नंबर बिटवीन 1/4 एंड 1/2, तो वो क्या होगा, दोनों का मीन निकाल दो। तो मीन कैसे निकालोगे, 1/4 प्लस 1/2, और इस पूरे को क्या करना है, डिवाइड बाय 2। मैं इसको ऐसा लिख रहा हूँ, ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 भी लिख सकते हो। इसका क्या होगा, मेरे पास जगह बचेगी और लास्ट में इसको मैं क्या करूँगा, फिर सोल्व कर दूंगा, ठीक है। तो अब देखो पहले इन दोनों का सम करना है, तो सम करने के लिए हमें क्या करना है, एलसीएम लेना है। 4 और 2 का एलसीएम कितना आएगा, 4 आएगा। उसके बाद में हमें क्या करना है, इसको इससे डिवाइड करना, मतलब इस 4 में इस 4 से डिवाइड करना, 1 टाइम होगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, प्लस इस 4 में 2 से डिवाइड करेंगे 2 टाइम होगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 आएगा, फिर इसको डिवाइड करना है किससे, 2 से। अब यहाँ आगे सोल्व करें तो ये तो बन गया 3/4। अब डिवाइड को कैसे सोल्व किया जाता है, डिवाइड को मल्टीप्लाई बनाया जाता है, और इस 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं, और इसका आगे क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल। तो कितना आया, 3/8 आया। मतलब यहाँ जो 3/8 है वो इन दोनों का मीन निकल के आ गया। यानी हम ये भी बोल सकते हैं 3/8 एक्चुअल में क्या होगा, 1/4 से बड़ा होगा और 1/2 से छोटा होगा। अब मैंने ऐसा क्यों लिखा है, ध्यान रखना 1/4 छोटा होता है, 1/2 बड़ा होता है, तो इसलिए 1/4 से तो बड़ा होगा, 1/2 से छोटा होगा। अब हमें सेकेंड रेशनल नंबर फाइंड करना है, तो सेकेंड रेशनल नंबर कैसे फाइंड करें, हम इन दोनों का क्या कर दें, मीन निकाल दें। तो 1/4 प्लस 3/8 डिवाइड बाय 2। तो आगे मैं यहां कर रहा हूं, देखो पहले तो एडिशन करो दोनों का, एलसीएम कितना आएगा, 8 आएगा। इसको इससे डिवाइड करो, 8 में डिवाइड करना है 4 से, 2 टाइम होगा, 2 को न्यूमिनेटर यानी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, प्लस फिर 8 को, मतलब इस 8 को डिवाइड करना है इस 8 से, तो 1 टाइम होगा, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा। और आप आगे सोल्व करोगे इसको तो कितना बन जाएगा, 5/8 को डिवाइड करना है 2/1 से, यानी कि 5/8 मल्टीप्लाई 1/2, तो रिजल्ट कितना आया, 5/16। तो हमने सेकेंड रेशनल नंबर फाइंड, अब ये किसके बीच में होगा, इन दोनों के बीच में। तो हम आगे लिख सकते हैं कि 1/4 से तो बड़ा होगा 5/6, लेकिन 3/8 से छोटा होगा। अब आप क्या करना, खुद सोल्व करना इन दोनों के बीच में रेशनल नंबर एक, और उसको कहाँ लिख देना, यहाँ लिख देना। आई होप ये चीज़ आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, इसी के साथ फिर हमारा लेक्चर फिनिश हो जाएगा। तो देखो इसको आप अच्छे से समझना, अगर समझ में नहीं आता रिवाइंड करके देखना, फिर भी आप लोगों को अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके बता सकते हो, हम कोशिश करेंगे कि आगे आने वाले किसी लेक्चर में आप लोगों के लिए इसी कॉन्सेप्ट को वापस से अच्छे से समझा दिया जाए, उसके ऊपर 2-3 क्वेश्चन और सोल्व करके बता दिए जाए। तो देखो फाइंड 3 रेशनल नंबर्स बिटवीन -1/2 एंड 3/4, इनके बीच में हमारे को क्या करना है, 3 रेशनल नंबर्स फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो ये हमारे को गिवन है, और सॉल्यूशन में क्या लिखोगे, फर्स्ट रेशनल नंबर में डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे, फर्स्ट रेशनल नंबर कैसे निकाला जाएगा, दोनों का मीन निकालना है, यानी 1/2 -1/2 प्लस 3/4 डिवाइड बाय 2। अब इन दोनों को ऐड कर लो ऊपर, पहले कितना आएगा, 4 आएगा एलसीएम, और नीचे डिवाइड में यहाँ पे 2 चल ही रहा है ये वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला डिवाइड में 2 चल ही रहा है। तो देखो इसको, मतलब इस 4 को डिवाइड करना है 2 से, 2 टाइम होगा, फिर -1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 को तो -2 आएगा, प्लस फिर इस 4 को डिवाइड करना है इस 4 से, तो 1 टाइम होगा, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा। तो देखो -2 प्लस 3 क्या आएगा, 1/4, इसको डिवाइड करना है 2 से। अब 2/1 लगा लो इसको, 1/4 मल्टीप्लाई 1/2 लिख सकते हैं, तो यानी कितना आया, 1/8, यानी 1/8 क्या है, -1/2 से तो बड़ा है और 3/4 से। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। उसके बाद में हमें क्या करना है, एक और सेकंड रेशनल नंबर फाइंड करना है। तो क्या करोगे, इन दोनों के बीच में फाइंड कर दो एक, तो क्या होगा, -1/2 प्लस 1/8 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 8 आएगा, फिर इसको, मतलब इस 8 को डिवाइड करो इस 2 से, 4 टाइम होगा, 4 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -4 आएगा, इस 8 को 8 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम होगा, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, और डिवाइड बाय 2। तो देखो ऊपर तो कितना बन गया, -3/4, डिवाइड को मल्टीप्लाई बना के अगले वाले नंबर का क्या कर देंगे,
रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये कितना बन गया -3/16। अब ये -3/16 क्या होगा, इससे बड़ा होगा इससे छोटा होगा, तो हमारे पास अब जो दो रैशनल नंबर आ गए, ये इससे बड़ा कितना होगा -3/16, तो इससे बड़ा 8। फिर अब आप थर्ड रैशनल नंबर किसके बीच में फाइंड करना, इसके बीच में निकल के आ जाएगा, वो आप खुद निकालने की कोशिश करना, वो क्या होगा इन दोनों के बीच में लाई करेगा। तो इस तरीके से हमने क्या किया, दो मैंने आप लोगों को करके बता दिए और बाकी एक आप खुद निकालने की कोशिश करना, जिससे आप लोगों को प्रैक्टिस भी हो जाएगी और कॉन्सेप्ट को समझने में भी आसानी हो जाएगी। आई होप ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी, इसको वीडियो को पॉज करके इसे आप नोट कर लीजिए। इसी के साथ आज का हमारा लेक्चर खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग रैशनल नंबर्स के ऊपर कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स को सोल्व करने वाले हैं। इसी के साथ फिर हमारा चैप्टर नंबर 1 पूरा फिनिश हो जाएगा। उसके बाद में हम अभ्यास नाम से आप लोगों के लिए एक सीरीज लेके आएंगे, जिसके अंदर हम लोग इम्पोर्टेंट जो भी क्वेश्चंस बनते हैं उन सबको 3 या 4 अभ्यास सीरीज के थ्रू कोशिश करेंगे कि अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आप लोगों को अच्छे से सोल्व करवा दिए जाए। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और साथ ही कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा है। वीडियो में अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आई है, कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया है, तो वो भी आप क्या कर सकते हो, हमें कमेंट करके बता सकते हो। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे कि आगे आने वाले सभी लेक्चर्स के आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। तब तक के लिए थैंक यू।